रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग मानते हैं। उन्हीं में से एक परिवार है शर्मा जी का, जो एक प्रथा को मानते हैं। प्रथा थोड़ी अजीब है पर दिलचस्प है। प्रथा कुछ ऐसी है कि शर्मा जी के खानदान में अगर कोई लड़की शादी करके घर में आएगी तो वो इस पुश्तैनी स्कूटर पर ही आएगी। क्या है ना, शर्मा जी के पापा के दहेज में ये स्कूटर आया था और वो इस स्कूटर को काफी शुभ मानते हैं। तो इस प्रथा को जारी रखने की जिम्मेदारी पहले खुद शर्मा जी और अब उनके बेटे पे आई है, जिसकी शादी बस कुछ ही दिनों में होने वाली है। बेटा पीहू मिले तो उसको ये आम दे देना यार। मम्मा, और सुन, वो आते समय मास्टर जी से मेरी साड़ी ले आई है। अच्छा हाँ, पापा की ना वो दो पैंटें दी हुई हैं छोटी होने के लिए। भगवान जाने क्या है इनको, लोग बढ़ते हैं और ये छोटे होते जा रहे हैं। मैं ना जा रहा हूँ, ठीक है, ले आऊंगा। अच्छा अच्छा, वो कार्ड वाले को बोलियो कि कार्ड के शादी के बाद छाप के देगा। ये आए हैं अपनी होने वाली से मिलने, जिसको इस प्रथा की हवा भी नहीं है। ये लो आम, हमारे बाग के हैं, पापा लाए। रख दो। अरे यार, रिम्मी है ना, रिम्मी उसी के साथ शॉपिंग पे गई थी। जितनी भी उल्टी सीधी चीजें हैं ना, उसी ने सिखाई हैं। अच्छा? उसका भी वैसे सीन सेट हो रहा है मन्नू के साथ। अंकल आंटी कहाँ पे है? अंकल आंटी कार्ड बांटने गए हैं। और अगर तो उन्हें पता चला ना उनका दामाद ऐसे पीछे से आया है, इतने जूते पड़ेंगे ना बेटा। चाय भी हो गया? फिलहाल तो पी लूंगा। पीहू? हाँ? एक बात पूछूं? तुम कभी स्कूटर पे बैठी हो? हाँ, बचपन में, पर गिर गई थी तो उसके बाद नहीं बैठी। क्यों? पापा कह रहे हैं कि साथ। नकुल, दहेज का चक्कर तो नहीं है ना? अरे नहीं, दहेज का क्यों चक्कर होगा, मतलब पीहू, मैं शायद बताना भूल गया तुम्हें, वो शादी के बाद ना थोड़ी देर के लिए तुम्हें बैठ के आना पड़ेगा। क्या? बैठ के आना पड़ेगा स्कूटर पे थोड़ी देर के लिए शादी के बाद। बस कहाँ आना पड़ेगा? घर पे। किसकी शादी? हमारी शादी। पागल हो? अरे पागल की क्या बात है इसमें, मैं चला रहा हूँ और तुम पीछे बैठोगी पकड़ के मुझे, शादी के बाद ही तुरंत। शादी करनी है, टिकटॉक बनाना है? अरे टिकटॉक नहीं बनानी, सच्चे में कह रहा हूँ, बस थोड़ी देर के लिए बैठ जाना स्कूटर पे। और स्कूटर हम लाएंगे। देखो स्कूटर है हमारा पुश्तैनी, उस पे बैठ के। लड़के ना गाड़ियों में बिठा के लाते हैं, तुम मुझे स्कूटर पे बिठा के लाओगे? प्रथा है ना। क्या प्रथा है? कि नई बहू स्कूटर पे बैठ के घर आती है। मेरे ना दोस्त होंगे, भर भर के रिश्तेदार होंगे, उनके सामने मैं सच के स्कूटर पे आऊं? ऐसा नहीं होगा। तो मैं हूंगा ना तुम्हारे साथ, क्या हो गया? तुम्हारी इज्जत नहीं होगी, मेरी है। पापा ने बोला है तुम्हें बोलने के लिए, तो पापा से बोल दो मैं ना ये तमाशे नहीं करूंगी। अरे वो स्कूटर लकी रहा है यार। क्या है यार? देखो यूं मुझे पता है थोड़ा अजीब सा लगेगा, पर क्या हो गया, मैं तो साथ होऊंगा ना। नकुल प्लीज, बातों को गोल गोल मत घुमाओ, सिंपल सी चीज है, मैं स्कूटर पे बैठ के नहीं आऊंगी। तुम्हें माने ना, तुम अकेले आ जाना, वैसे भी ना हमने देखा है वो खटारा। और एक और बात बताऊं, अंकल को बोलो उस खटारे को बेच के एक जोड़ी चप्पल ले ले, उससे ज्यादा चलेगा। आपसे ना कुछ बात करनी है पापा। बोल। कार्ड आ गए हैं छपके। अच्छा दिखा। मम्मा कार्ड आ गए छपके। कैसे लगे पापा? अच्छे छपा है। दिखाओ।
हमारे भी पीहू ने पसंद किए थे। अरे वाह। अच्छा पापा, मैं कह रहा था कि ये जो स्कूटर है तो कार्ड कैसे लगे और छपा दूंगा फिर। पीले नहीं थे क्या? हमें पीला कौन छपाता है आज की डेट में, मतलब हमें तो जमाने के साथ बदलना चाहिए ना। तो वाई येलो थर्टी फाइव। अच्छा सुन, इधर आ, कार्ड लेके आ। हाँ ना, बेटे हमारे घर में पहला शादी का कार्ड सबसे पहले सबसे बड़े को दिया जाता है। अच्छा यहां रख। खैर सुन, रुक, तू यहां बैठ। अरे नहीं पापा, मैं थोड़ी बैठ जा, बोल रहा हूं ना, बैठ। अच्छा वो कैमरा मेरा मतलब मोबाइल दे। क्यों? फोटो खींचनी है। अरे पापा फोटो थोड़ी खींचोगे आप? खींचनी है, सही से पकड़ इसको। पापा फोन उल्टा है ना। अच्छा पीपी हो पीपी। अरे क्या हुआ बेटा? मुझे उठा लिया करो। सही टाइम पे आई हो। नमस्ते अंकल। बेटा पापा बुरा कर रहे हैं। जी आंटी, मम्मी, पापा, मुझे नकुल से दो मिनट बात करनी है। हाँ जाओ जाओ जाओ। बेटा फोटो तो खिंचवा ले, बाद में खींच लेना फोटो। चलो यार। बात करी तुमने अंकल से? पापा बोलो, अभी बोला है ना उन्होंने। देखो मैं क्या पूछ रही हूँ, पता है ना, बात ही कर रहा था। बट ये बात कर रहे थे तुम, तुम्हें पता है मुझे कितना बुरा लगा? मेरे को लगा कि मैंने शायद ज्यादा बोल दिया, मेरे को सॉरी बोलना चाहिए, इसलिए फट से आई। थोड़ा धीरे बात करते हैं। पहले बोला, अभी बोल रहा हूँ, मैं बात नहीं करूंगा, पापा मम्मी से खुद बात कर लो, नीचे खड़ा हो। मेरे पापा बोला ना उन्होंने पापा बोलने को। बिल्कुल क्या दिक्कत है पापा पापा पापा, और क्या बात करूंगा उनसे? शर्म आएगी तुम्हें बैठने में? शर्म आएगी नकुल, शर्म आएगी। 10 साल बाद हम क्या देखेंगे फोटो में? हम क्या देखेंगे कि मैं सच धज के एक कटारे पे बैठ के आ रही हूँ? तुम्हारे लिए, इस रिश्ते के लिए ना मैं अपने मम्मी पापा से लड़ी हूँ, मनाया है उनको, तब तुम्हारी बारी है, तुम्हें मनाना पड़ेगा अपने पेरेंट्स को। क्योंकि मम्मी खड़ी है साइड में। करवा दिया ना तुमने। बेटा मैं समझती हूँ तुम्हें परेशानी होगी, मुझे भी बहुत मुश्किल हुई थी, लेकिन बेटा ये इसके पापा के दिल के बहुत करीब है, इसलिए तुम्हें बैठना तो पड़ेगा ही, चाहे 2 मिनट के लिए ही बैठो। जी मम्मी। पानी वानी पूछ ले थे आप? बेटा चाय वाय पी के जाओ। नहीं पापा, फिर आते हैं। हेलो रिम्मी, मेरी बात ना ध्यान से सुनो, एक काम है। अरे स्कूटर कहाँ गया? अजी मैंने कहा सुनते हो जी, स्कूटर कहाँ गया? नकुल देख बेटा स्कूटर कहाँ गया। Bye.
गुड न्यूज है तुम्हारे लिए, खुश हो जाओ। क्या हुआ? हमारा जो स्कूटर है ना चोरी हो गया वो, अब शायद तुम्हें शांति मिल जाएगी। क्या, कैसे? बस इन्फॉर्म करने के लिए किया था कि लग गई तुम्हारी हाय। नकुल ये तो बहुत बुरा हुआ। पता कितना बुरा लग रहा है तुम्हें। हेलो नकुल, हेलो पे क्या कर रही हो? स्कूटर मिला? वो ही ढूंढ रहा हूँ। यार तू कौन ले गया? मुझे क्या पता? तो ऐसे नहीं मिलेगा, हमें ना पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी है। लिखवा चुका हूँ, यही कर रहा हूँ सुबह से मैं। ऐसे कैसे चोरी हो गया यार? अब तो हो गया ना। ये तुमने तो नहीं चुरवा दिया? नकुल नहीं चुराया मैंने स्कूटर। नहीं ना, तुम्हें नहीं बताया। सुनो, कल जब हमारी बात हुई थी ना, तो मैंने प्लान किया था कि मैं स्कूटर चोरी करवा दूंगी, बस शादी भर के लिए। यार मेरा आइडिया समझो, मैंने सोचा था ये शादी के टाइम जो हमारे दोनों को परेशान कर रहा है ना, उस चीज को मैं कुछ दिन के लिए हटा देती हूँ तो सारा चक्कर खत्म हो जाएगा। लेकिन वो इंसान जो चोरी करने जा रहा था वो नहीं पहुंचा, वो सच में नहीं पहुंचा। तो इसलिए जब तुम्हारा कल फोन आया ना, मतलब आज, तो मेरे को नहीं समझा कि कौन लेके गया। मेरा ना दिमाग खराब हो गया तब से। मैं सच बोल रही हूँ यार नकुल, मेरा इंटेंशन गलत नहीं था, प्लीज। कैसे मान लू? मतलब कैसे मान लू कि तुमने चोरी नहीं किया? तुमने सोचा ना चुराने को, तो चुरा भी तो सकती हो ना तुम स्कूटर। नहीं ना, तो मैं बता तो रही हूँ ना नकुल। ज़्यादा कोइंसिडेंस नहीं हो गया? यार नकुल, सच बोल रही हूँ मैं। मुझे पता कितना सच बोल रही हो। क्या बोला था तुम्हें? सिर्फ स्कूटर पे बैठने को बोला था ना, इतनी सी बात बोली थी ना, और कितनी बड़ी बात हो गई है। ज्यादा बोला था क्या मैंने? यार सॉरी बोल रही हूँ यार। जिद है ना तुम्हारी, मेरी भी जिद है। जब तक स्कूटर नहीं आता ना, मैं नहीं करूंगा शादी। कुछ भी कर लेना, मैं नहीं करूंगा शादी।
हेलो अरे तो जल्दी आओ ना यार। अरे मन्नू के घर में जो काम करता है ना उसी ने बताया है कि वहाँ जंगल में ना आम के बाग में एक स्कूटर खड़ा है। तो ये चीज तुम्हें मन्नू पहले नहीं बता सकता था? अरे बता दिया तो सुन लो ना। तो जल्दी चलो ना फिर। अब चला ही तो रहे हैं। वो देखो वो रहा तुम्हारा स्कूटर किधर? अरे उधर। चलो चलो। ये खटारा? यही है। देख लो चेक कर लो कहीं इस बार सच में ही चोरी ना हो जाए। ये क्या है? दहेज का स्कूटर। ये आया तो माँ और आपके साथ था, बहुत संभाल के रखा हमने इसे, लेकिन शायद कुछ ऐसा जरूरी नहीं कि अब आगे भी कोई रखे। हम समझ सकते थे, अपने टाइम में हम भी चाहते थे बहुत कुछ, लेकिन हम बोल नहीं पाए। आज हमारा लड़का हमें कुछ नहीं बोल पा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो जिद नहीं कर सकता, लेकिन हमारा मन रखने के लिए वो लड़ रहा है, वो भी उससे जिसके साथ उससे जिंदगी भर रहना। ना मैं कुछ बोल पाया आपको, ना वो बोल पा रहा है मुझे। ये स्कूटर छोड़ के जा रहा हूँ यहीं आपके पास, आपके ही लगाए हुए पेड़ के नीचे, जिसे मिले संभाल के रख। का क्या है, कोई मान ले तो इच्छा और ना माने तो रीत। वक्त बदलता है और ये अनोखी प्रथाएं भी, बस छोड़ जाती हैं तो एक एहसास और कुछ भी नहीं। एक रीत थी वो भी और एक रीत है ये भी, जो बैक सीट की सवारी को फ्रंट सीट पर ले आए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल। स्कूटर कहाँ से मिला? तुम ना आम खाओ, गुठलियाँ गिन ले। क्यों पापा? कहते हैं समय के साथ कुछ चीजें पीछे छोड़ देनी चाहिए, कोई पसंद करे ना करे, कुछ यादें पीछे छोड़ देनी चाहिए। लेकिन अगर यादें ही पीछे छूट जाएंगी तो बचेगा क्या?
हूँ।